दोस्तों, क्या आपको कोई व्हाट्सएप नंबर पे आपको परेशान कर रहा है? क्या आपको भी तरह तरह के मैसेज भेजकर कोई आपका दिमाग डाइवर्ट कर रहा है? या आपके ना चाहने पर भी आपको कोई बार बार व्हाट्सएप पे एसएमएस गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून गुड नाइट के तरीके से या लव शायरी मैसेजेस आपको फालतू के मैसेज भेज भेज कर आपको परेशान कर रहा है? तो दोस्तों, ऐसे नंबर के साथ हमें क्या करना चाहिए या फिर ऐसे नंबर से हमें कैसे इग्नोर करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टेक मास। दोस्तों, आज की वीडियो में यही हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल में किसी रैंडम व्हाट्सएप नंबर को ब्लॉक करते हैं और ब्लॉक करने के बाद सामने वाले बंदे को किस तरीके से आपका नंबर शो होता है और आपके मोबाइल में उसका नंबर किस तरीके से शो होता है और हम उसे फिर से कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आपको लाइव प्रूफ में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें जाना है अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन में जिसको भी हमें ब्लॉक करना है उसके अकाउंट पे। ये व्हाट्सएप खोलने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से मोबाइल में इंटरफेस सभी के मोबाइल में दिखता है। तो आपको जिस भी नंबर को ब्लॉक करना है उस पर क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए मेरा ये नंबर है, मैं इसे ब्लॉक करना चाहता हूँ, ये मुझे बार बार मैसेज कर रहा है बिना मेरे मर्जी के, तो इसे हम कैसे ब्लॉक करते हैं? दोस्तों, इस अकाउंट में आने के बाद आपको थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट में जाने के बाद दोस्तों व्यू कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमें एक इंटरफेस मिलेगा। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल रहा होगा ब्लॉक सतीश, तो आपको ब्लॉक सतीश पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको ब्लॉक का फिर से एक पॉपअप आ रहा है, इस पर भी आपको क्लिक करना है। ब्लॉक सतीश हैज़ बीन ब्लॉक्ड। तो दोस्तों, ये नंबर जो है सतीश का, जो मुझे बार बार एसएमएस कर रहा था, मैसेज कर रहा था व्हाट्सएप पे, इसका नंबर अब ब्लॉक हो चुका है। दोस्तों, जब हम किसी नंबर को ब्लॉक करते हैं तो वो किस तरीके से शो होता है जिसे हमने ब्लॉक किया है उसकी तरफ। दोस्तों, ब्लॉक करने के पहले और ब्लॉक करने के बाद इंटरफेस में कैसा पता चलेगा कि नंबर ब्लॉक है या नहीं है? मान लीजिए हम किसी का नंबर, ये नंबर मैं मान लीजिए देख लेता हूँ, इसमें देखिए अभी ये नंबर ब्लॉक नहीं है, ना मेरी तरफ से ना उसकी तरफ से। इसमें हम जब बात करते हैं या मैसेज भेजते हैं, देखिए इस तरीके से हम भेजते हैं हाय, तो उधर से जब वो देखता है तो दो लाइन हमारी जाती है और दोनों लाइन ब्लू हो जाती है। अगर हम नंबर को ब्लॉक कर देते हैं तो उसमें क्या होता है? जैसे मैंने हाय लिख के भेजा, तो ये जो देख लीजिए यहाँ पे, जो यहाँ पर एक मार्क का निशान आ रहा है वो सिंगल ही रह जाएगा, वो डबल शो ही नहीं होगा। उस मतलब उधर से कोई शो नहीं होगा कि वो दिख रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, मेरा मैसेज का रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उसे कुछ भी दिखेगा नहीं। इस तरीके से हम अपने मोबाइल में किसी को ब्लॉक कर सकते हैं अगर आपको कोई बार बार एसएमएस कर रहा है। दोस्तों, अगर हमें इस नंबर को वापस से अनब्लॉक करना है तो हम जहाँ से ब्लॉक किए थे सेम टू सेम वहीं पे जाके हमें अनब्लॉक का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे देखिए जहाँ पे ब्लॉक का निशान है, ये देखिए यहाँ पे ब्लॉक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनब्लॉक का जो सीन आ गया है, इसी पर हम वापस से क्लिक करके दोबारा से देखिए यहाँ पर सतीश हैज बीन अनब्लॉक्ड, यहाँ से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप किसी रैंडम नंबर से बच पाएंगे। दोस्तों, आई होप कि आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा। दोस्तों, आपको सोल्यूशन मिल गया होगा तो इसी बात पे आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आल नोटिफिकेशन को क्लिक कर सकते हैं ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप तक मिलती रहे और आपके छोटी छोटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर वीडियो का आपका कोई पार्ट समझ में नहीं आया हो या फिर मोबाइल से संबंधित दोस्तों इस तरीके से आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको एक नया वीडियो देने का। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।